वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट नाइन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एथ एंड द थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट नाइन इज अबाउट द पार्ट टू ऑफ द यूनिट नाइन तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे यूनिट नाइन की स्टोरी जो है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट वन उसका पार्ट टू देखेंगे ओके सो शैल वी स्टार्ट ओके The years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. अब क्या हुआ कि सालों बीत गए और Ernest था, अब वो जवान यंग मैन हो गया था और वहाँ के जो निवासी थे उन वो सब उनको थोड़ा ही नोट नोटिस करते थे दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन his वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट when द लेबर ऑफ़ द डे was ओवर ही स्टिल loved टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस तो वहाँ पे निवासी थे उन लोगों ने ऐसा कुछ रिमार्केबल चीज़ नहीं देखा था उसकी लाइफ में और नेस्ट की लाइफ में सिवाय के वो पूरा दिन काम करके आता था तो भी अब बड़ा हो गया था तो भी उसको ग्रेट स्टोन फेस को देखना बहुत अच्छा लगता था देर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज फॉली बट पार्डनेबल बिकॉज अनेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली तो वो ऐसा समझते थे वो लोग कि ये जो चीज़ है वो नादानी है फॉली यानी कि नादानी है और पर उसको अपने माफ़ भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि अनेस्ट था वो इंडस्ट्रियस था फिर दयालु था और पड़ोसियों का बहुत सोचता था इसलिए वो लोग इतना ध्यान में नहीं लेते थे दे डिट नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस है टीचर टू हिम एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन इट वुड एंड लाज द यंग मैंस हार्ट एंड फील इट विद डीपर सिंपथिस दैन अदर हार्ट तो वो वो सारे कौन वहाँ तो के निवासी वो सब ये नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट की अब एक टीचर बन गई थी और वो की यानी सेंटिमेंट यानि कि कल्पना जो वो कल्पना करता था वो अब उसके हार्ट में दिल में बहुत बड़ी हो गई थी कल्पना बढ़ती जा रही थी और वो उसके लिए बहुत सारी डीपर डीपर लेके बैठा था यानी कि फीलिंग्स लेके बैठा था किसके तरफ ग्रेटस्टोन फेस की तरफ फीलिंग्स उसकी बढ़ गई थी दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वर्ल्ड वुड कम अ बेटर विस्टम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स

कि वो जो फीलिंग्स थी वो अनेस्ट को नेचुरली आ रही थी और वो सब अनोखी थी और वो क्या कर रहे थे कि बाकी सब की जो फीलिंग्स थी उससे उसकी फीलिंग्स कई ज़्यादा थी अ सिंपल सॉल सिंपल एज वेन हिस्स मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी ही बेहेल द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वनडर वाई इट्स अयूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन गोइंग तो एक सिंपल सा सॉल सिंपल सी आत्मा इतनी सिंपल की उसकी माँ ने पहली बार जब ये स्टोरी उसको बताई थी तो वो क्या कर रहा था बेहल्ड यानी कि देख रहा था उस

अब टाइम आ गया कि गैथर गोल वो बहुत बूढ़े हो गए थे और मर गए थे और उसको दफना दिया था और वो सारा धन वो क्या बन गया था और उसकी बॉडी और जो उसका एक्जिस्टेंस था वो सारा खत्म हो गया था और धन तो वो मरे उससे पहले ही खत्म हो गया था सिंस the melting away of his gold it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain to kya keh rahe hain रियोन्ड मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी तबाह हो गए हो बर्बाद हो गए उसकी बात कर रहे हैं तब उसका सारा धन भी चला गया था तो वहाँ के निवासी सोचने लगे थे कि उसका कोई धन भी नहीं था सोना भी नहीं था तो ये बात तो पक्की थी कि वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा इंसान नहीं था और वो बर्बाद हुआ व्यापारी था और उसको ग्रेट स्टोन फेस के साथ कोई लेना देना नहीं था It so happened that another son of of the valley had become a a a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. अब क्या हुआ कि अब ऐसी ऐसा हुआ कि उस वैली का एक दूसरा बेटा जो सोल्जर बना था बहुत सालों पे पहले वो बहुत सारी लड़ाई कर करके अब एक फेमस कमांडर बन गया था he was नॉन ऑन द बैटल फील्ड ऑफ ब्लड एंड थंडर ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही है लिटली एक्सप्रेस द डिसाइड टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली तो वो उसकी बैटल फील्ड में लड़ाई की जगह पे उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से सब जानते थे अब वो बूढ़ा हो गया था और थक भी गया था तो वो अपने नेटिव वैली आना चाहता था The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. अब क्या हुआ कि वहाँ के निवासी पुराने जो सारे पड़ोसी थे और बच्चे जो बड़े हो गए थे वो सब क्या कर रहे थे तो वो वो सब उस कमांडर की वेलकम की तैयारी कर रहे थे और सब कह रहे थे कि अब आखिर में सच्ची में ग्रेट स्टोन फेस के जैसे मुंह वाला इंसान आ रहा है ग्रेट द द एक्साइटमेंट थ्रू आउट वैली एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ मैनीसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट फॉर द दीक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लोक्ड अब क्या हुआ कि सारे बहुत खुश थे कि चलो अब वो इंसान आ तो रहा है और था। वो क्या कर रहा था वो ग्रेट स्टोन फेस को देख ही रहा था और बाकी सारे भी देख रहे थे और बारंबार देख रहा था कि उसको पता चले कि एग्जैक्ट उस इंसान का मूल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है या नहीं ऑन द डे ऑफ जनरस एलाइवर अराइवल जिस दिन जनरल आ रहा था उस दिन और बाकी सारे वैली के निवासी थे वो सारा काम धाम छोड़ के और उस जगह जा रहे थे जहाँ पे पूरा बड़ा सा बैंकवेट तैयार किया हुआ था आने के लिए दावत तैयार की थी उसके वेलकम के लिए सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड्स फ्लैग वेव्ड एंड द क्राउड रोड अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस हैव एवर ही कुड हियर सेवरल वॉसी वॉयसेस अब क्या हुआ कि सोल्जर्स थे वो सारे उनकी रक्षा करने के लिए खड़े थे फ्लैग्स भी फर, आ, फर रहे थे और बहुत सारी क्राउड भीड़ जमा हो गई थी और बहुत दूर खड़ा था उस इंसान को देखने के लिए उसका मुंह देखने के लिए और उसको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय तो एक इंसान था वो खुशी के मारे नाचने लगा था कि हाँ ये वैसा ही मुंह है और बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम है तो देखो ये क्या दिखाई दे रहा है ये ग्रेट स्टोन फेस का फेस है ये वो कमांडर है और पीछे सोल्जर्स खड़े हैं ये एक इंसान है वो डांस कर रहा है और ये सबसे आखिर में और है है उदास हुआ है। और सारे उसको वेलकम करने के लिए खड़े हैं है ना फिर नेक्स्ट क्या हुआ वंडरफुली लाइक इट दैट्स फैक्ट अनदर एंड वाई नॉट क्राइड ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड अदर

तो अर्नेस्ट सबसे आखिर में खड़ा था और लास्ट में वो उस इंसान का फेस देख पाया और दूसरी तरफ वो ग्रेट स्टोन फेस का भी चेहरा देख पा रहा था इफ as the एज द क्राउड could नॉट रिकनाइज इट अब सब इतना बोल रहे थे पर अर्नेस्ट उस इंसान को पहचान नहीं पाया था फ्योर नॉट ऑनस्ट सेफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विंग टू हिम प्योर नॉट ऑनस्ट ही विल कम फिर क्या हुआ कि वापिस वो उदास हो गया और उसका दिल ऐसे कह रहा था किनेस्ट डरोमत वो जरूर आएगा और जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उसको कह रहा हो ऐसे किनेस्ट डरोमत वो आएगा तो इसके साथ अपने यूनिट नाइन की स्टोरी को खत्म करते हैं आप सबको क्या करना है स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है समझना है और न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है ओके वंदे मातरम